अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्रिकेट अपडेट। तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तो इंडिया ने बहुत ही आसान सा मैच जीत गया, जबरदस्त लाजवाब। तो अफगानिस्तान 272 रन किए थे 8 विकेट मदद से 50 ओवर खेल के। इंडिया 273 रन सिर्फ 35 ओवर में कर दिया, 2 विकेट गिरा। जबरदस्त 8 विकेट से मैच जीता इंडिया, बहुत ही लाजवाब। तो पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच है आज। और रोहित शर्मा नया नया रिकॉर्ड बनाया, आज सेंचुरी भी मारा, 131 रन बनाया केवल 84 गेंद में, 63 गेंद में सेंचुरी लगाया, फर्स्ट सेंचुरी। उससे पहले रिजवान ने 131 बनाया था गया मैच में, आज रोहित शर्मा ने बनाया, बराबर कर लिया वर्ल्ड कप में सबसे हाईस्ट रन। तो जब बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, विराट कोहली 55 रन बनाया 56 गेंद में, और ईशान किशन 47 रन बनाया 47 गेंदों में। तो रोहित शर्मा 5 छक्के मारे, 6 चौके मारे, तो ज़बरदस्त लाजवाब। जितना भी तारीफ करें रोहित शर्मा की उतना ही कम है, खास करके ODI क्रिकेट में नंबर वन बैट्समैन रोहित शर्मा, हिटमैन, जिसको हिटमैन कहा जाता है, इतना लाजवाब बैटिंग। 2019 वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाया था, और 2023 में ये पहला सेंचुरी है। तो कुल मिला के 7 सेंचुरी हो गया वर्ल्ड कप में, आज तक कोई क्रिकेटर नहीं बना पाया वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरी। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, छक्के के रिकॉर्ड, सेंचुरी के रिकॉर्ड, लाजवाब रोहित शर्मा, इसीलिए कहा जाता है हिटमैन। यहाँ पे कोहली भी नहीं है, ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोहली भी नहीं है, जबरदस्त। कोहली तो बहुत बड़ा प्लेयर है, पर रोहित शर्मा ODI वर्ल्ड कप में पहला बंदा है जो इतना रन सेंचुरी बनाया, 7 सेंचुरी। तो पहले मैं बात करते हैं हसमुल्ला, 80 रन बनाया 88 गेंद में। अजमतुल्ला उमर जजाई 62 रन बनाया 69 गेंद में। इब्राहिम जदरान 22 रन बनाया 28 गेंद में। तो अफगानिस्तान और भी स्कोर बढ़ता अच्छा होता, पर उसका जल्दी विकेट मिडिल ऑर्डर में जल्दी विकेट गिर गया, और हसमुल्ला लगा भी सेंचुरी होता, क्योंकि कुलदीप यादव जब बॉलिंग कर रहे थे उस समय उसको बड़ा शॉट नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा टिक के खेलना चाहिए था, तो उसमें जल्दबाजी किया और सेंचुरी से मिस हो गया। तो दोस्तों, तो करते हैं रोहित शर्मा की जो फर्स्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाया किसके किसके खिलाफ में। रोहित शर्मा 122 रन बनाया जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप में, और 140 रन बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, 102 रन बनाया इंग्लैंड के खिलाफ, 104 रन बनाया बांग्लादेश के खिलाफ, 103 रन बनाया श्रीलंका के खिलाफ। तो जबरदस्त रिकॉर्ड, और इस साल पहला सेंचुरी 131 रन बनाया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो सिक्सर हिटमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले रोहित शर्मा है, 556 सिक्स, मोस्ट सिक्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उससे पहले था क्रिस गेल 553, और उससे पहले था शाहिद अफरीदी 476, और उससे पहले था मैकलम का 398, और उससे पहले था मार्टिन गुप्टन का 383। तो ज़बरदस्त मैच हुआ, लाजवाब मैच हुआ बहुत ही, रोहित शर्मा रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बनाता गया, क्या मैच था। तो अब बात करते हैं बॉलिंग की, तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं,
49 रन खर्च करके 10 ओवर में हार्दिक पांड्या 2 विकेट मिले हैं। 43 रन देके 7 ओवर में शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट मिला। 31 रन देके 6 ओवर में तो राशिद खान को 2 विकेट मिले हैं, रोहित शर्मा की और ईशान किशन की। तो दोनों ही राशिद खान विकेट लिए हैं और बाकी किसी को विकेट नहीं मिला। मोहम्मद सिराज थोड़ा गेंद खराब हुआ पर अच्छा है, सब दिन तो एक जैसा नहीं होता है, पर क्या लाजवाब मैच देख के बहुत ही मज़ा आ गया। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो कितना रन बनाता पता नहीं, बहुत ही रन होता शायद, 450 और भी अच्छा होता, पर जो हुआ अच्छा हुआ, मैच जीत गया और ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, बस जैसे एक तरफा हुआ, क्योंकि इतना ओपनिंग में भी इतना रिकॉर्ड किसी का नहीं है, 10 ओवर में 76 रन, तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ, ज़बरदस्त मैच हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।